అసైన్మెంట్ चलो अब आपको एक इंटरेस्टिंग चैप्टर कराता हूं, राइट। इसमें थोड़ा सा बोर हुए ना, असाइनमेंट वी हैव रिटन द क्वेश्चन नंबर, सो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पेज नंबर, सो यू कैन सेव योर इंक, यू कैन सेव योर टाइम एंड यू कैन सेव योर पेपर, राइट। अब देखो इस गेम को, असाइनमेंट इज जस्ट लाइक ए गेम, लेकिन जैसे अपन कोई भी गेम को खेलते हैं उस गेम के पहले रूल्स आने चाहिए आपको, राइट। अब आप बोलोगे क्रिकेट, क्रिकेट में एक ओवर में सिक्स बॉल, आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है, तो देर इज नो आंसर, होता है मतलब होता है। आप बोलोगे नहीं सिक्स बॉल से क्यों होते, इलेवन प्लेयर से क्यों होते, कोई स्टूडेंट ऐसा बहुत मगजमारी वाले आते, तो जिधर लॉजिक नहीं लगता है वहां सोचने का नहीं, होता है मतलब होता है। कभी आपने पूछा है किसी को सिक्स बॉल क्यों होते, होती है, ठीक है, गेम है। ऐसे ही असाइनमेंट का गेम है। इसमें क्या करेंगे अपन, समझो जैसे देर आर थ्री आर्टिकल A1, A2 एंड A3 एंड अपने पास थ्री ऑडिट है, ऑडिट वन, ऑडिट टू एंड ऑडिट थ्री। तीन अपने पास ऑडिट है, तीन अपने पास आर्टिकल है। ये बोलता है ऑडिट वन को 40 घंटे लगेंगे कंप्लीट करने में, ये बोलता है 42, ये बोलता है 53। इस साइंग 53 या 59, 51, 47, 41, 49 एंड 52। अपने पास तीन ऑडिट है, ऑडिट वन, ऑडिट टू, ऑडिट थ्री, तीन आर्टिकल है A1, A2, A3। नाउ हाउ टू असाइन पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर ऑडिट टू पर्टिकुलर आर्टिकल सो द टोटल टाइम इज मिनिमम। अपना टोटल टाइम क्या होना चाहिए, मिनिमम। प्रोफेसर हंगेरियन, राइट, भगवान को प्यारे हो गए, हमारे लिए छोड़ गए, राइट, भगवान की आत्मा को शांति दे, राइट, पीस ऑफ हिज सोल्स, दिस गॉड ब्लेस हिम। टोटल आपको क्या आना चाहिए, दिमाग लगाने का नहीं, हंगेरियन को अपन हंगेरियन बना देते, राइट। पहले कोई ये गेम खेलने से पहले आपको देखना है तीन चीज, पहला तो ये गेम एपी होना चाहिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम, क्योंकि असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमेशा आपको क्या लगेगी, सेम। तो असाइनमेंट में क्या रहेगा, तो पहले आप लिख लो जरा मीनिंग ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, मीनिंग ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। It means assign particular job to particular person, it means assign particular job to particular person with the object of minimize the cost, with the object of minimize the cost and maximize the profit. Okay, एक दो गेम आप खेलोगे बाकी के सारे सम आप सॉल्व कर दोगे, मेरा गारंटी है। पहला क्या है, एपी होना चाहिए। एपी का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स assign particular job to particular person with the object of minimize the cost and maximize the। तो पहला एपी होना चाहिए, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉब्लम का वो क्लियर होना चाहिए, आपको मिनिमम करना है कॉस्ट या मैक्सिमम करना है प्रॉफिट। एंड थर्ड अपने पास बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस मतलब तीन अगर आर्टिकल है तो तीन ऑडिट अपने पास होने चाहिए, तो ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलोगे दो आर्टिकल हैं और तीन ऑडिट हैं तो हम दो जन को कैसे तीन पे भेजेंगे, इज नॉट पॉसिबल। तो पहला एपी होना चाहिए, सेकंड मिनिमाइजेशन और मैक्सिम, और थर्ड बैलेंस। ओके, तो आप जरा लिखो चेकलिस्ट, ये गेम को खेलने से पहले आप चेक करना, एपी, मिनिमाइजेशन एंड बैलेंस, या हाउ स्वीट।
Minimization or maximization? Minimization or maximization and the balance problem. Balance problem. Third is a balanced problem. पहले मुझे दो चार सम सॉल्व करने देना, फिर आपकी क्वेरीज पूछना, नहीं तो आप धड़ी लगा दोगे, ऐसा होगा तो क्या, वैसा होगा तो क्या, सब क्लियर हो जाएगा। अब देख के रखना कौन ही में, हाँ ऐसा रहेगा तो क्या, वो सब एक एक क्वेरी आपका क्लियर करके देगा। पहले एपी, फिर मिनिमाइजेशन। अब ये इस चीज को, चेकलिस्ट को करने का क्या फायदा है, इसके दो तीन फायदे हैं। मैंने पास्ट स्टूडेंट से पूछा कि भाई जब आप ओआर का पेपर लिखते हो तो एग्जैक्टली आपको क्या प्रॉब्लम आती है, बोले सर हमको यही नहीं पता चलता कि प्रॉब्लम एपी की है या प्रॉब्लम टीपी की है। तो अपन ने पहला कंडीशन क्या दे दिया, एपी, कि भाई आप आराम से चेक कर लो। फिर उन्होंने ये बताया सर हमें यही नहीं पता चलता है मिनिमाइजेशन है कि मैक्सिमाइजेशन, तो वो अपन पहले ही चेक करेंगे मिनिमाइजेशन है या नहीं। फिर बोलते हमको ये नहीं पता चला बैलेंस थी कि नहीं थी और हमने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एपी, मिनिमाइजेशन और बैलेंस। तो ये पहला फायदा हुआ, ये स्टेप चेक कर। दूसरा फायदा क्या हुआ, मान लो आपके पास एक ही मिनट बाकी है एग्जाम में और वो इन्विजिलेटर आपकी बोल रही है टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, बहुत हल्ला कर रही है और 10 मार्क का आपका पूरा असाइनमेंट का प्रॉब्लम बाकी है और आपके पास क्या है, सिर्फ लास्ट में एक ही मिनट बचा है। और अगर आपने ये कंडीशन लिख दिया, इसका मतलब जो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा उसको आइडिया आ जाएगा कि आपके वो टॉपिक तो आता है लेकिन आपके पास टाइम नहीं था, इसके लिए आपने सॉल्व नहीं किया, क्योंकि वो भी तो इसी रास्ते से गया होगा ना। सही है, सुनो, तो उससे क्या फायदा हो सकता है उसमें से आपको आउट ऑफ 10 आपको 1 मार्क मिल जाए, आपका काम हो जाएगा। हंसो मत, 1 मार्क भी भाई, ऐसे मत हंसो, राइट, एग्जामिनेशन जाता है ना उसको पूछो, या किसको 39 आता है उसको पूछो, राइट, 1 मार्क का भी वैल्यू। तीसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या, कि जैसे ही आप ये कंडीशन लिखेंगे एग्जामिनर समझ जाएगा यू आर फ्रॉम दानी कोस्टिंग, जब तक समुद्र में पानी रहेगा कोस्टिंग में प्रोफेसर। ये थ्री कंडीशन, अगर ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो फिर आपका होगा गेम स्टार्ट। ओके, तो लिखो जरा, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम। Steps for solving the sum. Step number one. Row minimum. Row को अपन को क्या करना है, minimum. Row minimum. Step number two. Column minimum. ये टीवाईवी कॉम में भी है, हाँ। एंड स्टेप नंबर थ्री, या असाइनमेंट इज नहीं, अरे टीवाई में ओआर करके 100 मार्क्स का पेपर है भाई, असाइनमेंट चैप्टर नहीं है ओआर में, अरे सर ने नहीं सिखाया हुआ तेरे को यार, सर को नहीं समझता, हाँ फिर यार ऐसे कैसे बोलेगा, असाइनमेंट के बिना कैसे होगा, एलपीपी का सबसे मेन टॉपिक है ये। चलो बढ़िया, अब सिखा देंगे। तो स्टेप नंबर वन रो मिनिमम, स्टेप नंबर टू कॉलम मिनिमम, स्टेप नंबर थ्री, ओके अच्छा अच्छा, स्टेप नंबर थ्री टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी। एंड स्टेप नंबर फोर फाइनल आंसर, ओके आप देखो आराम से करना, दो तीन सम आप करोगे बाकी के सारे सम आप कर लोगे। 253 क्वेश्चन नंबर 253 देखो जरा, an accounts officer has 4 subordinates and 4 tasks. The subordinates differ their efficiency
The task is also defined if there are intrinsic difficulty. A estimate of the time each would take to perform each task is given in the matrix below. How should the task be allocated one to one man so the total man hours are minimum? Iska matlab, let us apply the step to take the above exam. Step number one, aapka pehle checklist. देखो मिस्टेक नहीं करना, अगर आपने मिस्टेक किया तो फिर बाकी के स्टूडेंट में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। मुंबई में एक भी प्रोफेसर ऐसा नहीं है जो कॉस्टिंग और ओआर दोनों साथ पढ़ाता हो। ओआर कोई साइंस वाला प्रोफेसर लेगा और कॉस्टिंग वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लेगा, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ओआर में क्या प्रॉब्लम है। अब ये रिलेवेंट कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट वो समझेगा नहीं, तो वो छोटू छोटू सम करा देते, उसके बाद अपना ओआर की वजह से पूरा कॉस्टिंग का पेपर जाता है। तो प्लीज ध्यान दो, आप जरा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैंने आपके लिए ओआर पढ़ाया और उसके बाद भी अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो कोई मीनिंग उसका नहीं है। सही है, सुनो नाइस। जानकी के साथ में बाजी लगी है जानकी, सही है सुनो। जान दे देंगे मगर हरगिज न देंगे जानकी, राइट, कॉन्फिडेंस रखो। तो पहला चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में मिस्टेक नहीं करने का, चेक करो क्या क्या होना चाहिए एपी, दूसरा क्या होना चाहिए मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन, तीसरा बैलेंस। देखो जरा, एपी है असाइन पर्टिकुलर जब टू पर्टिकुलर पर्सन है, बोलो सही है सुनो। सेकंड मिनिमाइजेशन है, ऑब्जेक्टिव आपको क्या है मिनिमम करना है। एंड थर्ड फोर टास्क फोर जॉब बैलेंस। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला, स्टेप नंबर वन रो मिनिमम लिखो, स्टेप नंबर वन रो मिनिमम। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ओके। रो में देखो, फर्स्ट रो में व्हाट इज द मिनिमम नंबर, एट, एट माइनस एट कभी भी रहेगा तो जीरो। कैसे सर, टेन माइनस टेन इज जीरो, फाइव माइनस फाइव इज जीरो, सिमिलरली एट माइनस एट, ट्वेंटी सिक्स माइनस एट एटीन, नाइन थ्री, मिनिमम नंबर फोर नाइन, 24, 0, 22। इंस्टीट्यूट ने आपकी मेंटल मैथ्स पावरफुल हो उसके लिए रखे हैं टॉपिक्स। 3, 0, 9, 16, 14, 0। रो मिनिमम, फर्स्ट रो में देखो आप क्या नंबर है मिनिमम, हाँ एट को सबसे माइनस कर दो, ये स्टेप्स को याद रखने के लिए क्या करेंगे अपन, स्टेप वन टू थ्री फोर। एक स्लोगन देता हूं आपको, बगलों में रोया चिंटू ओ ओ ओ, क्या बगले में रोया चिंटू ओ ओ ओ, कैसे बगले में मींस बैलेंस होना चाहिए, रोया मींस रो मिनिमम, चिंटू मींस कॉलम मिनिमम, और ओ ओ मींस टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी। लिख लो कॉर्नर में, बगले में रोया चिंटू ओ ओ ओ, ठीक है ऑल राइट, समझाए। अब इसके बाद स्टेप नंबर टू, बिकॉज वन के बाद ऑलवेज समर क्यू, दिस इज कॉलम मिनिमम, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, बोलो बगले में रोया चिंटू ओ ओ ओ। चलो कॉलम मिनिमम ढूंढो, कॉलम में मिनिमम क्या है, जीरो, अरे बोलो जीरो, नाइन, ट्वेंटी थ्री,
9, 4, 14, 20, 0, 12, 9, 0, 3, 14, 3, 22, 0, 0. सेम कॉपी नहीं करेगा भाई, क्या कर रहा है? अरे जीरो इज द मिनिमम नंबर ना, हाँ उसमें से देखने का भाई, किधर देख रहा है? नहीं ओरिजिनल को भूल जाने का, फिर यहाँ पे आ जाओ अगले में रो या चिंटू। ये तो इजी है ना यार, अभी क्या है इसमें? अरे दो तीन सम के बाद तो आप एकदम एंजॉय करोगे इसमें। ट्रेन में बाट अंकल को सिखा देना, अंकल आ जा ऐसा मैं सिखाता हूँ। अगले में रोया चिंटू। अभी इनको कैसे रिवाइज करने का? आप किसी होटल में गए खाना खाने, हाँ अभी वेटर ला ही नहीं रहा तो एक प्रॉब्लम ड्राफ्ट कर लिया, हो गया आपका रिवीजन। अगले में रोया चिंटू। चलो ऑल राइट, अरे बोलो। अच्छा एनी प्रॉब्लम इन स्टेप नंबर वन एंड टू फ्रेंड्स? अरे बाबा मिनिमम नंबर क्या है कॉलम में? 09239 कौन सा मिनिमम है? जीरो में से सबको माइनस कर दे ना, जीरो सब में से माइनस कर दे। अब बोलेगा नाइन माइनस जीरो क्या होता है वो एक्सप्लेन करो, तो वो करेगा नहीं। उसके लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कर, हाँ मैथ्स का 12 रुपए महीने का। अब इसमें कौन सा था मिनिमम बोल? फोर। इसमें मिनिमम क्या था? अगले सर को ऐसा मत पूछ लेना। इसमें क्या है मिनिमम? जीरो। अरे बोलो। आप जरा ध्यान दो, इधर नीचे लिखो, ड्रॉ द लाइन इन सच ए वे, नीचे लिखो ड्रॉ द लाइन इन सच ए वे, draw the line in such a way to cover all the zeros, draw the line in such a way to cover all the zeros, but line should be minimum. Draw the line in such a way to cover all the zeros, line should be minimum. अभी आपको क्या है? line मारने का, right? लेकिन कैसे? या तो हॉरिजेंटल या वर्टिकल। आप ऐसे लाइन नहीं मार सकते आड़ा टेढ़ा देख के बराबर, या तो हॉरिजेंटल या वर्टिकल, ठीक है? लेकिन कहां लाइन मारने का? फर्स्ट जहां पे मैक्सिमम जीरो है, इधर रो में या कॉलम में। आप एक्सप्लेनेशन साथ के साथ लिखते जाओ, हाँ गुजराती हिंदी मराठी जिसमें आपको लिखना है लिखो। You have to draw the line, and line either you can draw vertical or you can go horizontal. It's not a problem. But the trick to draw the line, you just see where is the maximum zero. This is one, this is one, this is one. Either you can, this is two. You can draw line this way, or this is one, this is one, this is two, and this. Either you can draw this way or you can draw.